अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब ठीक होंगे। ये जो आप बलून्स और कैंडल देख रहे हैं, ये जी हाँ जी, ये मैं एक अपने हस्बैंड के लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। मेरा ऐसा कोई प्लान बिल्कुल नहीं था, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनको थोड़ा सा खुश कर ही देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकी बिकॉज़ यहाँ पे मैं अकेली बाहर नहीं जाती और यहाँ पे मुझे इतना चीज़ों का आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए बस मैं छोटा सा ये सरप्राइज़ प्लान करने लगी हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को देखिएगा। और ये मैं यहाँ पर बेकिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास कोई स्पेशल मशीन तो नहीं है मिक्स करने की, देखें इससे भी गुजारा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। और ये इतने सारे बलून्स हैं, मुझे इनको देखकर ये हो रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। इस टाइम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भतीजा और भतीजी याद आ रहे थे, और मेरा एक छोटा भाई, वो भी इस तरह के कामों में बहुत हेल्प करता है, दानिश नाम है उसका। तो वो इस टाइम मुझे सारे इतने याद आ रहे थे क्योंकि घर पे ना वही ये सब वही कर रहे होते हैं, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर होती हूँ। और जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी इस तरह के कामों में बड़ी मगन रहती है। भाई इनको जो फुला फुला के मेरे जो कंडीशन ख़राब हुई है, ओ गॉड, बस मैं इतना थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं ना। हाँ ये देखिए मैंने इतने रेडी कर दिए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है ना रह गए हैं रेडी करने के लिए। और साथ साथ केक को भी देखते हैं कि केक अभी तक रेडी हुआ है या नहीं हुआ। मेरे पास केक बनाने के लिए कोई कंटेनर नहीं था, तो मैंने कुकर में ही बना लिया, क्योंकि अगर मैं मार्केट से लाती तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाता। और ये देखें जी फाइनल लुक घर का। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी मुझसे पूछ रही थी कि सनिया आपने इतने सारे बलून्स कैसे तैयार कर लिए, आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी। तो जी कभी कभी इस तरह बहुत अच्छा लगता है कि आप जिसके लिए कर रहे हो अगर वो थोड़ा सा भी खुश हो जाए तो आपको आपकी समझे मेहनत कामयाब हो जाती है। और ये केक रेडी हो चुका है। और फिर मैं थक इतना गई थी कि मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया था, और फिर हम बाहर गए। और यहाँ जिसकी बर्थडे थी ट्रीट भी उसी ने दी थी और ये जी आ गया है पिज़्ज़ा। और नेक्स्ट डे जब मेरे हबी घर में थे तो फिर मैंने उनके लिए ये सब बनाया था। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।